से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो जो मेरे चैनल पे न्यू है उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को जो है लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए चले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो है व्यूअर्स, मैं जो हूँ मेहंदी का लुक करने वाली हूँ क्योंकि शादियों का जो है सीज़न चल रहा है। तो ये कि आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, आप लोगों को थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग किस तरह के कपड़े जो हैं वो कैरी कर सकते हैं। और ड्रेस जो है आप मेरा देख सकते हैं, मेहंदी का जो है ये मेरा ड्रेस हैगा, ठीक है। और इसके साथ जो है ब्लैक, इसके साथ जो है गोल्डन कैप्री है। मैं मेकअप के बाद जो है आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो आइए चलिए अपनी वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं मेकअप, ठीक है। और आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही होती हूँ, जाहिर सी बात है सुबह जल्दी उठना होता है, फिर सारे काम अपने निपटाने होते हैं, फिर आप लोगों के लिए व्लॉग्स बना रहे होते हैं। तो ये कि आप लोग एक सब्सक्राइब तो कर सकते हैं और जो भी मेरी वीडियो को देखा करें वो लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है। तो आइए चले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ जो है मैं करेक्टर लगा रही हूँ, केरलॉन का चाइनीज़ कलर है ये, ठीक है, ताकि जो भी हल्के वगैरह हैं, जो भी डार्क स्किन है वो हमारी जो है अच्छे से कवर हो जाए। आपके पास प्रो का है तो आप प्रो का भी कंसीलर करेक्टर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं जो हूँ स्ट्रिक केरलॉन का जो है चाइनीज़ कलर वो अप्लाई कर रही हूँ। जहाँ जहाँ हमें अपने डार्क एरियाज या कोई भी एक्ने या कोई भी निशान है वहाँ हम उसको जो है अप्लाई कर लेते हैं ताकि वो कवर हो जाए। कल जो है मैंने फेशियल लिया था तो मेरी स्किन माशाल्लाह सुबह जब मैं उठी हूँ मेरी स्किन जो है बहुत ग्लो कर रही है। और यहाँ जो है लोहे टिल्लब्बे वाले जो है वो आ चुके हैं, उनकी आवाज़ों को इग्नोर करिएगा। तो चाइनीज़ कलर का करेक्टर जो है वो मैंने अपने फेस पे जो है अप्लाई कर लिया है। उसके बाद जो है मैं जो हूँ बेस अप्लाई करूँगी, 45 कलर की जो मैंने बेस बना के रखी हुई है, मैं अपनी मैंने बना के रख ली है, तो आसानी से जो है सारी चीज़ें जो है जल्दी से जो मैं मिली भी होती हैं, तो हम लोग जो है मैं जल्दी से वही बेस जो है अप्लाई कर लेते हैं और वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी जो बेस मैंने बनाई थी। तो व्यूअर्स, यहाँ जो है बेस जो है मेरी अच्छे से जो है वो अप्लाई हो चुकी है, बहुत जल्दी सेटल हो जाती है बेस, 5 मिनट भी नहीं लगते हैं। अब जो है मैं लूज पाउडर अप्लाई करूँगी। यहाँ जो है हम लूज पाउडर अप्लाई करते हैं। ठीक है व्यूअर्स, लूज पाउडर अप्लाई करने के बाद जो है मैं कंटूरिंग करूँगी, क्योंकि जिनके थोड़े फेस हैवी होते हैं
हमें कंट्रोल करना होता है। और कंट्रोलिंग जो होती है, ये जो कान की हड्डी होती है, यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं आइस के यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक। तो व्यूअर्स, यहाँ जो है मैंने अच्छे से जो है कंट्रोलिंग जो है वो कर ली है, इससे जो है मेरा फेस बहुत स्लिम लगेगा, ठीक है। अब जो है हम इसे ब्लेंड करेंगे कंट्रोलिंग को। आप हैंड से करना चाहती हैं हैंड से कर लें, आप ब्रश अप्लाई करना चाहती हैं ब्रश से कर लें। तो अभी बस कंट्रोलिंग जो है हो चुकी है, अब जो है मैं ब्लश ऑन अप्लाई कर रही हूँ। और ब्लश ऑन जो है मैं 3D ग्लैमर वालों का यूज़ कर रही हूँ, इसमें लाइट्स और डार्क सारे कलर हैं, तो मैं ज़्यादा लाइट कलर यूज़ कर रही हूँ। ब्लशन जो है हमारा अप्लाई हो चुका है, अब जो है लूज पाउडर जो है वो इस तरह करके हमें अप्लाई करना है, ठीक है। व्यूअर्स, अब जो है हम अपनी आईब्रो को जो है शेप देंगे। पहले चूली की मदद से जो है हम अपनी आईब्रो को जो है सीधा कर लेंगे, ओके। आप लोग देख सकते हैं
जो है मैं आईब्रो को शेप दूंगी। तो व्यूअर्स यहाँ जो है मैं अपनी आईब्रो को जो है शेप दे रही थी, और आईब्रो जो है मेरी हो गई है। अब जो है मैं आईज मेकअप करूँगी। यहाँ जो है मैं ग्लिटर जो है ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ। तो व्यूअर्स यहाँ जो है मैंने सिल्वर और गोल्डन को जो है अच्छे से मिक्स करके अपने आईब्रोज के नीचे जो है अप्लाई कर दिया है। अब जो है मैं पिंक शर्ट जो है वो अप्लाई कर ठीक है। अब जो है व्यूअर्स मैं दूसरी आईज पे पिंक कलर अप्लाई करूँगी। और खूब अच्छे से जो है हमें पिंक कलर जो है खूब ब्लेंड करना होता है, ताकि कोई भी लाइंस या हार्श लाइंस बिल्कुल भी इन्हेंस नहीं हो। कि जब तक ब्लेंड कलर करें जब तक लाइंस वगैरह जो है वो जो है आप लोगों की ख़त्म नहीं होती है। अब जो है आप लोग देख सकते हैं, अब जो है मैं काही ग्रीन कलर लगाऊंगी। तो व्यूअर्स इस पैलेट में से ग्लैमर वालों की यह पैलेट है, इसमें से जो है मैंने काही कलर लिया है। और काही कलर जो है मैं अब अप्लाई करूंगी। काही कलर जो है हमें आईलिड पे आईज बॉल्स पे ही सिर्फ अप्लाई करना है, ठीक है। अब जो है व्यूअर्स मैं अपनी दूसरी आईज पे ग्रीन कलर जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। तो व्यूअर्स यहाँ जो है पिंक कलर के साथ जो है मैं अच्छे से जो है कलर्स को जो है ब्लेंड कर रही हूँ सकते हैं। और अब इस बलिया इसकी जो है पिंक कलर के साथ जो है हम ब्लेंड कर देंगे। व्यूअर्स अब जो है कि व्यूअर्स आईज जो है आप लोग देख सकते हैं, अब जो है मैं आईलिश अप्लाई करूँगी। तो व्यूअर्स यहाँ जो है मैंने आईलिश जो है वो सेट कर लिए। अब जो है व्यूअर्स मैं इस पर जो है मस्कारा अप्लाई करूँगी। व्यूअर्स अब जो है मैं आईलिश पे जो है मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं आईलैश जो है वो भी मेरी अप्लाई जो है हो चुकी है। तो व्यूअर्स आईज जो है आप लोग देख सकते हैं, अब जो है मैं यहाँ कॉर्नर पे जो है ब्लैक अप्लाई करूँगी।
लोग देख सकते हैं। तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं आज जो है मेरी कंप्लीट हो गई है। अब जो है मैं काजल अप्लाई करूँगी। अब जो है व्यूअर्स मैं आइस काजल अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है व्यूअर्स, काजल जो है यहाँ लग गया है। बस मैं लाइनर अप्लाई करूँगी और ग्लिटर अप्लाई करूँगी। तो व्यूअर्स यहाँ जो है मैं लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। अब व्यूअर्स मैं जो हूँ लिप ग्लॉस अप्लाई करूँगी और लिप ग्लॉस जो हैं हुदा ब्यूटी के हैं और आप लोग जो हैं देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है व्यूअर्स, यहाँ जो है अब मैं हाइलाइटर लगाऊंगी। तो व्यूअर्स ये जो है आज का जो है मेरा फाइनल लुक ये है, मेहंदी का लुक मैंने करा है। तो व्यूअर्स अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान, बाय बाय। Thank you.